हेलो, तुम पीछे ही रहो यार, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। अकरम भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। फिलहाल तो नैनीताल की सुबह है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज शाम को हम जैसा ये पहुंचे होती है यमुना ब्यूटीफुल, बाजार। ये होती है ब्यूटीफुल मॉर्निंग। देखो सामने, देखो क्या मौसम है, क्या नजारा है। लटके हुए ये तो भाई अब आए हुए तो ये तो लटकेंगे यार। क्या करें भैया, थोड़ा एडजस्ट कर लेना देखने वाले भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब बिखरा पड़ा है अभी। सनी साहब क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और सुनाओ, लंच करिए अपन फिर। हाँ जी, हाँ जी, करिए। सॉरी, लंच नहीं, ब्रेकफास्ट। लंच तो होना है अभी, लंच तो होना है अभी, तो ब्रेकफास्ट दोबारा फिर से होगा। ये तो एक एक परोठा सिर्फ अपनी अभी थोड़ी सी तसल्ली के लिए, बाहर निकलेंगे फिर वहाँ देखते हैं हमने क्या खाना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है जी। आगे करते हैं अपन धाने अपने माल रोड के मैं नहीं की भी अच्छे हो रहे हैं। कल तो बारिश इतनी सी कि बाहर निकल नहीं हुआ। मैं कहा काफी सारी बार बारिश पैंती थी तो। हेलो, नजारे जन्नत नैनीताल। चलो ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं। भाई साहब यहाँ के प्रॉपर्टी मैनेजर हैं, अपना नाम बताइए। रविशंकर। इन्होंने हमें अब गाड़ी भी हायर करके दी है, अब इनकी गाड़ी से हम जाएंगे। कितनी घुमाओगे? 11 पॉइंट। बताओगे कौन कौन से पॉइंट है? ये हमारे सबसे पहले केव गार्डन आएगा सर। अच्छा, 12 पत्थर, ठीक है। लवर्स पॉइंट, ठीक है। सुसाइड पॉइंट, ठीक है जी। बॉटनिकल गार्डन, क्या बात है। हिमालय दर्शन, नैनीताल लेक व्यू पॉइंट, वाटरफॉल, सरिता ताल और खुरपा ताल लेक व्यू पॉइंट, ये सारे करवा के आपको यहाँ आगे तिब्बती मार्केट में छोड़ देंगे, जहाँ से आप परचेजिंग वगैरह कोई छोटे मोटे चीज जो भी खरीदना होगा आपको वहाँ पे सारी चीजें हैं, गिफ्टेड भी है सारी चीजें। कितना टाइम लग जाएगा ये सब घूमने में? ये जो हमारा नैनीताल दर्शन होता है ये 4 घंटा मैक्सिमम, 4 घंटा, 4 से 5 घंटा। बिल्कुल, मतलब बोटिंग हम आके कर लेंगे ना। बोटिंग जब वेदर आपका होगा शाम को, लोग इधर उधर से घूम के आते तो यहाँ पे काफी रस रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आप उसमें क्राउड में ज्यादा अच्छा ठीक रहता है, अकेले घूमने क्योंकि लोगों की क्या होता है थोड़ा सा कंपटीशन टाइप क्या होता है, कोई किसी की बोट इधर से जाती है किसी की उधर से, तो नजारा भी ठीक है। ठीक है ठीक, बिल्कुल ठीक है। आज तो वीकेंड है, वैसे ही बोट से टक्कर मारने। चलो ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप जरा बुला दो यार। हाँ बुला लो सर, बुला लो टैक्सी, बुला लो। हम इधर ही जी, स्टार्ट हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लो जी, हम आ गए अपनी गाड़ी में। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। हेलो सर, इन्होंने हमें पूरा नैनीताल घुमाना है। पूरा नैनीताल घुमाएंगे, नैनीताल के 11 पॉइंट टूर करवाएंगे आपको। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। से तो आए थे यार, ये केएनबीएन है, ये गवर्नमेंट का होटल है। अच्छा, ये है भाई केएनबीएन गवर्नमेंट का होटल। ये गलती थी, हमने एक्टिवा ले लेते यहाँ पे, है ना। नैना देवी हिमालय पक्षी संस्करण संरक्षण, बर्ड सेंचुरी कहा था ना मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बर्ड सेंचुरी किधर है? इधर ये पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है। अच्छा, ये इंडिया इतना बड़ा देश है अभी आपने कहा, और गिनी चुनी उंगलियों में है रिजर्व फॉरेस्ट। तो फिर फॉरेस्ट में जाने देंगे अंदर? फॉरेस्ट में पैदल आप नहीं जा पाओगे ना। अच्छा, चढ़ाई का मामला है ना। तो फिर वैसे जो जाना चाहते हो जाते हैं, उन्हें कोई रोकथाम थोड़ा नहीं, टिकट थोड़ा। बर्ड सेंचुरी जो कुछ टूरिस्ट जो होते हैं बर्ड्स के दीवाने होते हैं। बिल्कुल, अभी मिलेंगे ऊपर क्या जानवर? हाँ बर्ड्स। हाँ जी, अभी इतने हल्ले में तो नहीं मिलेंगे, आप अंदर अंदर सुनसानी में जाओगे तो क्यों नहीं चढ़िया दिखेंगे। लो जी, करो हिमालय दर्शन। बादल आए हुए हैं इसलिए नहीं देख पा रहे, वैसे भी कैमरा इतना जूम में जाएगा नहीं। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाएगा ना। उनके पास दूर भी नहीं हटने का, उनके पास दूरबीन है ना, उसमें हो जाएगा। और देखो दूरबीन लगी हुई इधर, भाई भाई साहब क्या बात है। बारिश हो गई, बारिश शुरू हो गई। सानी साहब ये बोल रहे थे कि मैंने हिमालय पे चढ़ना है, और मैंने कहा भाई गाड़ी पे चलो, जहाँ जा रहे हो चलोगे हिमालय पे, वहां मुंडी लाएंगे बता। लो जी, बारिश शुरू हो गई, हिमालय दर्शन करने थे लेकिन सही से हो नहीं पाए क्योंकि बारिश शुरू हो गई। तो अभी हम आ गए हिमालयन बॉटनिकल गार्डन, यहाँ आपको मिलेंगे सारे तरह के प्लांट्स, ऑलमोस्ट सभी मिल जाएंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स हैं आपको मिल जाएंगे, जितनी तरह की बटरफ्लाईज है यहाँ पे आपको इसके बारे में सब नॉलेज मिलेगी। करम भाई टिकट ले रहे हैं, टिकट लेने के बाद हम एंटर करेंगे। बड़ा थोड़ा आते जाओ, उसकी क्या दिक्कत है? ये है बॉटनिकल गार्डन की स्टार्टिंग।
लो जी इन्होंने नाम भी लिखे हुए ने, उनके सबके नेम्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये देखो, ये पहले शेर हुआ करते थे, शादी हो गई, अब सांबर बन गए। भैया हम सानी साहब की बात नहीं कर रहे, हम सांबर की बात कर रहे हैं, कहीं इनकी बात मतलब ये आज भी शेर है। गार्डन तो वैसे खूबसूरत है, जैसे नाम ही बोटेनिकल है तो जवाब ने। और पाजी, और सानी साहब, और कबीर पाजी, कल जब से हम साथ आए ना तो सिर्फ पानी ही पानी चल रहा है और कुछ नहीं है अभी। यार वो गए वहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, वहाँ पे भी पानी मिल गया, बारिश बारिश होगी या। बाकी बंदों से तो यही कहेंगे जब आप आओ ना तो थोड़ा बरसात के टाइम ना आओ। देखो सानी साहब कितने खूबसूरत हैं, ऐसा लगा किसी ने डिजाइन करके ने बनाया। अंदर कोई तरबूज है और ऊपर उस पे कांटे कांटे से चिपका दिए। देखो एकदम गोल राउंड शेप, देखो कितना खूबसूरत है बिल्कुल। इंसेक्ट म्यूजियम मैं तो देखी पहली बार, पर किन्ने तरह की बटरफ्लाइज ने हैं। ये सारे नैनीताल के जंगलों में पाए जाते हैं जी। लो जी बोटैनिकल नहीं बोटनिकल, बोटनिकल मां बहन कर रहे हो। लो जी बोटनिकल पार्क दा, बोटनिकल पार्क दा टूर हो गया अपना फिनिश। तितलियां भी देख लिया, तितलियां कहने बड़े तरह दी।